हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योग सागर पर और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर हम जो वीडियो बना रहे हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है खून की कमी। जी दोस्तों, तो कैसे उस चीज को दूर किया जा सकता है, उसके बारे में योगा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खून की कमी शरीर में बहुत रीजन से होती है। मेन क्या होता है, जो अपनी खून जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो जो लाल रक्त कणिका है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं खून की कमी होना। तो उसको दूर करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्या क्या योगा आसन हम लोग कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जो बेस्ट 5 to 6 जो योगा आसन है वो इसके अंदर हम लोग करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का निशान है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, नॉर्मली मैं रोज वीडियो डालता हूं, तो आप वो वैसे वीडियो आपको रोज मिलते रहे, आप देखते रहे उस चीज को। और एक चीज और है कि ये तो होगी खून की कमी, इसके अलावा आपका कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे नॉर्मली उस पर वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इसके बारे में जानना है, मुझे सिर्फ इसके बारे में बताइए, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे फेसबुक पर, कहीं पर भी, जिसके सारे लिंक मैंने दे रखे हैं वहां पर, या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मुझे सिर्फ #NamasteKrishna लिखकर मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और सिर्फ कमेंट में नहीं, बल्कि उस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलिए, अभी ये हो गई आज की बात, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन से योगा आसन है जो करने से हमको जो खून की कमी है वो दूर हो सकती है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए योगासन करते हैं, शशकासन। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग शशकासन। ये बहुत इजी आसन है, बहुत अच्छा आसन है। कैसे करना है देखिए, पहले से बैठना है इसमें वज्रासन के अंदर, तो ये वज्रासन में हम लोग बैठ गए ये, ठीक है। अभी यहां से क्या करना है, सिंपल सा ब्रीथ इन करते हुए सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ये, और रोकेंगे यहाँ पर 15 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर सांस लेते हुए ये हो गया। इसको भी कम से कम करना है 7 से 10 बार करना, ठीक है। नीचे जा रहे हो तो सांस छोड़ के हो जाना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं करना, हाथ ऐसे नहीं करना, हाथ स्ट्रेट करना है और हिप्स भी जो है वो क्या करना है, हिप्स को, हिप्स ऐसे ही रहने चाहिए, इनको ऐसे नहीं उठाना है, ये नहीं उठाना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना शशकासन। तीर्थासन, अभी हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं तीर्थासन। इसमें क्या होता है, पाव में थोड़े से वाइड रखते हैं, इतने ज्यादा वाइड नहीं रखना आपने, ठीक है, ये इनफ वाइड, ठीक है। अभी क्या करना, देखिए ताड़ासन की तरह ही दोनों पांव को ऊपर भी करना है, हाथ भी लेके जाना है, लेकिन तीर्थ है टेढ़ा है, तो फिर मुझे क्या करना है, दोनों पांव को ऐसे दोनों बॉडी में साइड में झुका दूंगा। तो कैसे, सांस लेते हुए मैं ऊपर जाऊंगा और बॉडी को साइड में झुका दूंगा, ब्रीथ आउट कर दूंगा और होल्ड करूंगा यहाँ पे पोजीशन को, जितना लंबा होल्ड कर सकता हूं उतना, और जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं सांस को अंदर लेते हुए ये। अब इसका ध्यान रखना है कि जितना आप लंबा होल्ड कर सकते हैं ना ब्रीथ को, उतना लंबा करते हुए होल्ड करना है इसको, और कम से कम 3 से 5 बार एक साइड में करना है। मैंने इधर किया, मैंने 5 बार, तो फिर मुझे 5 बार इधर छुपते हुए भी करना है, जो सारा जो प्रेशर जो है वो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए मेरे पांव बहुत मजबूत होने चाहिए इसके लिए मुझे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि सर ये पांव ऊपर करके नहीं हो पा रहा, हमारा तो बैलेंस बिगड़ जा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत में जैसे 5 मिनट कर रहे हैं, तो 2 से 3 बार के बीच में क्या करेंगे, दोनों पांव ऐसे रखेंगे और पांव ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ ये करेंगे और ये, लेकिन पूरा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ऐसे रखेंगे, थोड़ा प्रेशर दें यहाँ पे, ताकि आपको पहले ये बॉडी का बैलेंस बन जाएगा, उसके बाद फिर आप ऐसे खड़े होके फिर झुके, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, तीर्थासन। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं उस योगासन का नाम है शीर्षासन। बहुत तरीके से होता है, ये पहला तरीका है, इजी वाला तरीका है, कैसे होता है वो देख लीजिए इस चीज को। इसमें क्या करना है, पहले ये ट्राइपॉड वाला एक ट्राइंगल जो हम लोग बनाते हैं कि यहाँ पर मेरा सिर है, यहाँ पर मेरे हाथ है, यहाँ पर मेरे हाथ है, हथेली के सहारे पूरी बॉडी को बैलेंस कर रहा हूँ और फिर धीरे से बॉडी को ऊपर लेके चार। तो चलिए करते हैं, पहले मैं यहाँ पर सर रखता हूँ, अभी मेरे हाथ यहाँ पर है और ये करता हूँ और ये, और फिर धीरे से सीधा करते हुए मैं पांव को ऊपर सीधा करूंगा ऐसे,
ठीक है, और उसके बाद जो मेरा लगेगा कि मेरा हो गया है बैलेंस, अभी लंबा नहीं रोक सकते हो, भी नॉर्मल रख सकते हो, ठीक है, एक मिनट दो मिनट जितना रख सकते हो उतना रखना है, फिर धीरे से बैंड करते हुए ये आ जाओ, उठना नहीं है, फिर चले जाना अपने को चाइल्ड पोज के अंदर बालकासन, और फिर धीरे से उठाना है ये। तो ये हो गया अपना शीर्षासन का पहला वेरिएशन। तो इसमें देखिए, पहले अगर आपने नहीं किया ये आसन तो लंबा होल्ड नहीं करेंगे और बिना किसी के हुए हुए नहीं करेंगे, कोई ना कोई होना चाहिए क्योंकि इसमें गिरने के चांस रहते हैं, तो कोई ना कोई आपको जरूर होना चाहिए जो हेल्प करे आपकी, अगर आप गिर रहे हो तो वो आपको रोक ले, ठीक है, इस चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। तो कितनी बार करना है ये करना है, कम से कम पहले नहीं किया है तो 10 सेकंड में होल्ड करना है, और कम से कम करना पता नहीं तो 3 से 5 बार के बीच में करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये होगा सेशन का पहला वेरिएशन। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कपालभाति। इसमें क्या करना होता है, देखिए एक बार सांस लिया फिर सांस को छोड़ना है बार बार बाहर की तरफ, सिर्फ थ्रो करना है, पेट को अंदर करेंगे और बाहर करेंगे, पेट अंदर करेंगे बाहर करेंगे। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा गलत करते हैं लोग, कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए, दोनों हाथ यहाँ पर और डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लीजिए एंड देन ये छोड़ना है। हाँ बोलेंगे सर तो एक ही बार निकल जाएगा बाहर, फिर कैसे करेंगे, तो थोड़ा सांस बाय डिफॉल्ट जो अंदर होता है, लेकिन उसका अलग से आपको एफर्ट नहीं डालना है, अलग से आप उस इसको इन करने के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा होता है उसको होने दीजिए। अब बोलेंगे सर वो कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आप इन खुद से अगर मेहनत करके अंदर ले रहे हैं, आप अगर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप सांस लूं फिर छोड़ूं, तो आपका सांस लेने का भी आवाज आएगा, और नहीं तो फिर उसका आवाज नहीं आएगा। कैसे, देखिए अभी आपने देखा राइट वाला, अभी आपको करके दिखाता हूं कि गलत जो है ना आप कैसे इन और आउट करते हैं गलत तरीके से, इसमें दो आवाज आएगा, एक छोड़ने का एक लेने का। देखिए पहले गहरी सांस, दोनों आवाज आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एक ही आवाज आना चाहिए वो देखिए, ये सिर्फ छोड़ने का आवाज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको भी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से स्लो फास्ट या मीडियम जैसे आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत फास्ट फास्ट ही करना है या बहुत स्लो ही करना है, आप जहां कंफर्टेबल फील करते हैं उतना इसको करिए। तो आपने देख लिया राइट कौन सा रॉन्ग कौन सा है, और इसको भी आपको कम से कम करना है 3 से 5 मिनट, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लीजिए, जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं करिए, लेकिन 3 मिनट कम से कम करना है, भले आप स्लो करिए और 5 मिनट फिर ऊपर जितना आप जा सकते हैं उतना, जितना टाइम आपके पास में जितना अच्छे से कर पा रहे हैं उतना आप इसको लेके जाइए। तो ये हो गया अपना कपालभाति। भ्रामरी, जी हाँ, अभी हम लोग जो कर रहे हैं उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। तो इसको कैसे करना था, देखिए पहले तो हाथों का पोजीशन देख लीजिए कैसे रहता है, उसके बाद में ब्रीदिंग का ही बताऊंगा कैसे क्या ब्रीथ को आपको इसमें रखना है छोड़ना है सारा बताऊंगा। तो देखिए ये अपना हाथ है, तो ये दोनों जो उंगलियां है ना बीच वाली, इन दोनों को रखना है अपनी आंखों के ऊपर, ऐसे आंख बंद करके ये यहाँ पे रख देना है इनके ऊपर, ये जो है ऊपर रहेगा इसको यहाँ रख लेना है, और ये जो अपनी जो छोटी वाली उंगली है इसको हम लोग यहाँ रखेंगे चटनी, अच्छा राजस्थानी उसको बोलते हैं चटनी, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे लिखकर बताइएगा, ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे लिखकर बताना कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इस वाले हम बोलते हैं इसको चटनी, ठीक है, जो ये तो बात होगी उसकी। और फिर जो कान है ना, सॉरी कान की आवाज, कान तो है ही अपना फिर जो आपने जो ये अंगूठा है ना इससे अपने कान को बंद करना है, कैसे, देखिए ये जो है ना ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये इसको ऐसे पुश करना धीरे से कान के अंदर, तो कान बंद हो जाएंगे, तो फिर आप सिर्फ खुद की आवाज सुनेंगे, बाहर किसी की आवाज नहीं सुनेंगे। मैं इसे बंद करता हूं, मैं खुद की आवाज सुन रहा हूं, सिर्फ मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो चलिए ये कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सांस लेना है नाक से, ठीक है, नाक से आपने सांस लिया और फिर आपको हमिंग करनी है, हमिंग कैसे, या फिर जैसे होता है क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी होती है ना वो कैसे करती है, वो वाला साउंड करना, या बोलेंगे सर ये साउंड को बनाना है, ये साउंड बाय डिफॉल्ट आएगा ही, आपको दोनों होल्ड बंद करके जीभ को यहाँ पे दांत के पास में लाके फिर आपको करना है ये वाला, ठीक है, हम इसे बोलते हैं ना यही साउंड इसके अंदर, इसका नाम भी बोलते हैं हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक बार, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले ब्रीदिंग करना है
फिर आपको करना है, फिर उसी तरीके से आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। चलिए दोनों उंगली यहाँ पर, यहाँ पर कान को बंद किया मैंने, अभी मैं ब्रीदिंग किया देन ये ठीक है, ये हम लोगों ने किया अभी ड्रामी। इसको अपने करना है 3 से 5 मिनट, और ध्यान रखिएगा जब भी आंखें बंद करके ओपन करने का टाइम आता ना, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे रब करते हैं आंखों को हमेशा, और फिर यहाँ पर ऐसे रखते हैं और फिर अपना आंखें खोलते हैं। लेकिन मैं सिंगल सिंगल बना रहा हूँ तो हर बार ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बिना ऐसा करे ही आंखें खोल रहा हूँ। तो आपको इसका ध्यान रखना है, और इसको भी कम से कम करना आपको 3 से 5 मिनट, ठीक है। टाइम ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं काउंट करके बताऊंगा तो 10 से 15 आसपास हो जाएगा, लेकिन आप टाइम से करिए वो बेटर है कि आप उसे बताइए आपने कितना टाइम किया है, ठीक है, कितनी बार किया है, उससे बेटर है कितना टाइम किया है, ठीक है। तो 3 से 5 मिनट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि यार 3 से 5 मिनट कैसे पता चलेगा, तो काउंट कर लीजिए कम से कम 12 से 15 बार इसको करिए। तो ये हो गया अपना भ्रामरी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम। देखिए ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक सबसे जबरदस्त प्राणायाम है, बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है, और इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसको ये बोल सकते हैं कि किंग ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक बोल सकते हो, यानी सब प्राणायाम जो है ना उन सबका राजा है ये। मतलब ये करेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कैसे करना है देखिए, पहले तो क्या करना है, इसके 3 तरीके हैं, सांस लेना, सांस को रोकना अंदर, फिर सांस छोड़ना, ये 3 है। अब कैसे है देखिए, जब सांस लेते हैं तो बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको इन करना है, फिर 3 से लेकर 5 सेकंड उस चीज को रोकना है, और फिर स्लोली जिस तरीके से स्लो आपने ब्रीथ इन किया था उसी स्लो से आपको ब्रीथ आउट कर देना है। तो आराम में देखिए, आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल करिए, सांस लिया उसको कंट्रोल करिए। कैसे, आपने मान लो सांस लेने में आपने लगाए 15 सेकंड, तो आपको सांस छोड़ने में भी आपको लगाने हैं 15 सेकंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने ब्रीथ किया एंड छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। तो कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूं, जो हाथ का पोजीशन है वो कैसे रहेगा। देखिए ये दो उंगलियां ना, ये बीच वाली, इन दोनों को यहां लीजिए, दोनों आईब्रोज के यहां पर ऊपर, उसके बाद अंगूठे से ये साइड और ये वाली अंगुली से ये साइड, यानी राइट साइड आप अंगूठे से बंद कर लीजिए और लेफ्ट साइड जो है वो आप इस अंगुली से बंद कर लीजिए, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर अभी क्या, हम मान लो अगर ये जैसे कर रहे हैं, हम लोग जैसे करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। कुछ कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, अगर आप ये कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो इससे भी कर सकते हो, कोई चीज करना इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाथ को देखिए, आपको ऐसा नहीं रखना, ये थोड़ा गलत, हाथ थोड़ा ऐसे रखिए, थोड़ा सा इस जो बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा एक्टिव करिए, ठीक है। तो चलिए एक बार करते हैं, ये दोनों उंगलियां यहाँ पर, ये मेरा पहले मैं राइट साइड से मैं सांस लेता हूं और फिर उधर से छोड़ता हूं, तो मैं बोलते हुए करूंगा, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये यहां रखा, ये हाथ मेरा यहां पर मुद्रा, ये अपना ज्ञान मुद्रा पोज़ में, इधर सांस लिया, अभी मैंने बंद कर दिया नाक अपना, अभी मैंने होल्ड करके रखी हुई है सांस, और अभी मैं लेफ्ट साइड से ये उंगली में हटा ली है और मैं धीरे से ब्रीथ आउट करूंगा, अभी ब्रीथ आउट हो गया। अभी यहां पर ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि अभी मैंने लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट किया था, तो मैं इधर से ही इन करूंगा फिर से, ठीक है। क्लोज करूंगा और होल्ड करूंगा ब्रीथ को 3 से 5 सेकंड, और अभी मैं स्लोली ब्रीथ आउट कर दूंगा राइट साइड से, ये। अभी देखिए इसमें क्या करना, ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का, इसमें राइट साइड से ब्रीथ इन किया, ठीक है। ये देखिए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और यहां पर होल्ड, ये मैंने ब्रीथ इन किया, होल्ड किया, और यहां से मैंने धीरे से ब्रीथ आउट कर दिया। अभी मैंने लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट किया, मैं लेफ्ट साइड से ही ब्रीथ इन करूंगा, होल्ड करूंगा, और राइट साइड से ब्रीथ आउट कर दूंगा। अभी इधर से मैंने आउट किया, इधर से ही ब्रीथ इन करूंगा, आउट करूंगा, यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे ये इस मोशन में चल रहा है ये, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना इसको, या फिर ऐसा नहीं करना, ये ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया हमको पर्टिकुलरली, तो इसका डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने ऑलरेडी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी आप वहां से देख लीजिए। तो ये हो गया अपना क्या, अनुलोम विलोम।
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको रियली अच्छा लगा, सही बहुत अच्छा लगा, तो एक उम्मीद और करता हूँ कि इस वीडियो को आप उन लोगों को जरूर शेयर करेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस प्रॉब्लम को दूर कर सके, इसे निजात पा सके। उसके अलावा अगर आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अपना चैनल बहुत नया है अभी, तो वो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में आप जो भी चाहे मुझे पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं कैसा क्या लग रहा है, सब आप मुझसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक जो मैंने दिए हुए हैं, मेरा फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं छोटी छोटी चीजें डालता रहता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल भी मिलेंगे एक और नई किसी प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, हेल्दी रहिए।